अमावस्या के दिन आपको लगता है कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर। स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, राम सुनो, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए, आज भी एक कपूर का टुकड़ा सुख का। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाएगी। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को साथ स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा।